गाला कॉइन की सप्लाई तेजी के साथ सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे आती जा रही है, एंड कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है गाला कॉइन को 1 डॉलर जाने के लिए। वहीं दूसरी ओर गाला कॉइन का अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड मूवमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं, एंड ये वाला ब्रेकआउट जिस साइड भी आता है उस साइड हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब वो ब्रेकआउट किस साइड आएगा वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही अपडेट लेंगे बिटकॉइन का, बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट क्या सकता है वो बात करेंगे, और इथेरियम क्लासिक, चिलीज कॉइन और माना, सैंडबॉक्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनका डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं गाला कॉइन के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, गाला कॉइन की अनलॉकिंग लगातार यहाँ पे हो रही है, एंड 21 जुलाई 2024 को यहाँ पे लगभग 2.14 मिलियन के गाला की जो अनलॉकिंग है वो अनाउंसमेंट होगी, जहाँ पे 119.64 के पर डे के हिसाब से अनलॉकिंग होना स्टार्ट होगी, एंड लगभग 365 डेज यानी कि पूरा 1 साल तक ये अनलॉकिंग चलेगी। अब किसी कॉइन की अनलॉकिंग अगर रोज हो रही हो एंड वहाँ पे प्राइस अगर मेंटेन भी कर रहा हो एक जगह पे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए वहाँ पे सस्टेन करना, बिकॉज मार्केट कैप और वॉल्यूम अगर गाला कॉइन के अंदर सेम रहेगी तो यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई बढ़ने की वजह से एक लगातार हमें डंप देखने को मिल सकता है गाला कॉइन के अंदर। बट क्योंकि गाला कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेवलपमेंट इन्होंने काफी ज्यादा करे हैं, गाला स्वैप भी लॉन्च हो चुका है, तो उसके वजह से अगर मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर बिटकॉइन पंप करता है तो कहीं ना कहीं गाला कॉइन के अंदर जब भी हमें रैली देखने को मिलेगी तो वो भी काफी बड़ी हमें देखने को मिलेगी जब भी इनकी साइड से कोई बड़ी अनाउंसमेंट आएगी तब। नाउ करेंटली बात करें क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है गाला कॉइन के प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है गाला कॉइन के लिए वो 0.03666 डॉलर का है। यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो एक सडन जंप मैं एक्सपेक्ट करूंगा, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने अपना बाय ऑर्डर लिमिट ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बाइंग लिमिट ऑर्डर प्लेस है बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से एक सडन जंप हमें देखने को मिलेगा गाला कॉइन के अंदर अगर यहाँ तक प्राइस आया तो। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ इस ब्रेकआउट का, ये जो रेंज यहाँ पे ट्रेड कर रही है, जैसे ये रेंज ब्रेकआउट करती है ऊपर की साइड से जो रेजिस्टेंस है वो 0.05901 डॉलर का है, वहीं नीचे की साइड से जो सपोर्ट है वो 0.05503 डॉलर का है। ये रेंज जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है उस साइड में ट्रेड लेने यहाँ पे जाऊंगा। ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया तो अप साइड में लॉन्ग ट्रेड, एंड यहाँ नीचे की साइड ब्रेक डाउन आया तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करने जाऊंगा गाला कॉइन के लिए, एंड यहाँ से अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा टारगेट यही लेवल का रहेगा, ये रेंज जो है डेली चार्ट के अंदर मार्क करके दिए। तो ऑल ओवर यही अपडेट था गाला कॉइन को लेके। नेक्स्ट मार्केट का अपडेट अगर यहाँ पर लेते हैं तो बिटकॉइन को आप अभी देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल था हमने लास्ट टाइम ही मार्क करा था कि रिजेक्शन देखने को मिल सकता है 68,500 डॉलर से ही रिजेक्शन हमें ऑलमोस्ट देखने को मिला। अभी करंटली प्राइस यहाँ पे दोबारा ट्राई कर रहा है इसको रिटेस्ट करने का, अगर ये लेवल ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो काफी पॉजिटिव चीज होगी। एक 4 आवर कैंडल 68,500 डॉलर के ऊपर क्लोज होती है लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ से एक अच्छे अपसाइड के या फिर एक नए ऑल टाइम हाई की भी उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पे इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तो वो प्राइस के लिए थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, वहां से हम कह नहीं सकते कितना बड़ा हमें फॉल देखने को मिले, बट फिलहाल जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो 61,000 डॉलर का देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई तो 61,000 डॉलर तक हमें बिटकॉइन देखने को मिल जाएगा इजिली। बात करें यूएसडीटी डोमिनेंस की तो वहां पे एक बुल फ्लैग हमें फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर अगर बुल फ्लैग ब्रेकआउट होता है अपसाइड में तो चांसेस हाई रहेंगे कि हम 61,000 डॉलर तक गिर के आए। अगर ये ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन लेके जो कि अभी ले रहा है यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट करता है तो चांसेस हाई रहेंगे कि बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे एंड एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ जाए बिटकॉइन के। बट अभी अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस और ओल्ड कॉइन डोमिनेंस को देखते हो तो आपको एक मेजर चीज देखने को मिलेगी कि ओल्ड कॉइन डोमिनेंस तेजी के साथ यहाँ पे गिर रही है, जो कि एक मेजर रीजन भी है यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर ज्यादा बड़ा डंप आने का। इस टाइम पे आपको ज्यादातर ओल्ड कॉइन्स ब्लीड करते हुए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर ओल्ड कॉइन डोमिनेंस यहाँ पे तेजी के साथ गिर रहा है। बट यही टाइम होता है जब सारे लोग फियर में होते हैं, ज्यादा तेजी के साथ ऑल्ट कॉइन गिरते हैं, तो यहाँ पे कुछ जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर अपने बाय ऑर्डर प्लेस कर पाए, वो अगर हिट हो गए तो लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट हम वहाँ से कमा पाते हैं, एंड इसलिए ही कुछ बाइंग ऑर्डर्स मैंने आपको लास्ट टाइम में बताए थे अभी भी कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे इथेरियम क्लासिक एक मेजर मेरा बाय था, एंड अभी आप देख सकते हो जहाँ सारे ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे हैं वहीं इथेरियम क्लासिक ने काफी अच्छा यहाँ पे रिकवरी दी है, एंड मुझे लगता है जैसे ही मार्केट रिकवरी करेगी तो
इथेरियम क्लासिक हमें टॉप परफॉर्मिंग क्वाइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बिकॉज अच्छी वॉल्यूम आ रही है, अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकवर कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसकी हालविंग भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव यहाँ पे लेके चल रहा हूँ इथेरियम क्लासिक। उसके अलावा यहाँ पे CHZ यानी कि चिलीज क्वाइन भी हमारे पास है, जो अगेन यहाँ थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड में आता है तो यहाँ पे एक बाय का मौका बनेगा, बिकॉज ऑल्ट क्वाइंस की रेस में चिलीज क्वाइन और इथेरियम क्लासिक काफी ब्रिज इस समय पे देखने को मिल रहा है। वहीं मांटा क्वाइन भी हमारे पास है, जिसका एक बाय ऑर्डर मेरा प्लेस करा हुआ है $2.177 पे। यहाँ से जंप आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, तो यहाँ पे मेरा बाय ऑर्डर प्लेस है। आप करना चाहते हो तो 2.18 के आसपास यहाँ पे करा जा सकता है बाय ऑर्डर प्लेस, लिमिट ऑर्डर, जो कि अगर हिट हो गया तो एक सडन जंप पे हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं मांटा क्वाइन से। वहीं बात करें अगर हम इथेरियम की, तो इथेरियम का लास्ट टाइम भी मैंने आपको लेवल मार्क करके दिया था, $2,614 का लेवल है। यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन जंप देखने को मिलेगा, डेट्स वाई यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर लगा रखा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगर हम सोलाना कॉइन की, तो सोलाना कॉइन के अंदर अभी के लिए जो अच्छा सपोर्ट है वो $163 के आसपास का है, जहाँ तक प्राइस आया तो एक अच्छे जंप की उम्मीद मैं यहाँ पे करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इथेरियम क्लासिक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे BNB कॉइन आया था, जिसका अच्छा लेवल जो है सपोर्ट लेवल वो $505 का है, लास्ट टाइम में बताया था। फिर SPX की बात करें तो यहाँ पे रिजेक्शन उसके अंदर आ चुका है, जो हल्का सा बिटकॉइन के लिए नेगेटिव बनता है, बट लेट्स सी बिटकॉइन किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करता है। उसके अलावा बात करें सैंडबॉक्स कॉइन की, तो हमारे बाइंग लेवल के पास है, ये दो लेवल्स हैं सैंडबॉक्स के जो आप मार्क करके रख सकते हो यहाँ पे, इवन तीन लेवल हैं यहाँ पे सैंडबॉक्स के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट बात करें फ्लोकिनो की, तो फ्लोकिनो का जो एक्चुअल अच्छा सपोर्ट है वो ये लेवल है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से मार्क कर लेना, यहाँ से एक जंप आने के हाई चांसेस रहेंगे फ्लोकिनो कॉइन के अंदर। ठीक है, 0.00016083 का ये लेवल है फ्लोकिनो के अंदर। फिलहाल आज के लिए ये अपडेट था, आपको कोई सवाल हो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलते हैं, गुड बाय, ठीक है।